हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। परिवर्तन सुराज संकल्प और गौरव यात्रा से प्रदेश का मान बढ़ा। राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि प्रदेश की जनता ने पहले परिवर्तन यात्रा, सुराज संकल्प यात्रा और इस बार गौरव यात्रा को लेकर अपनी हजारों की संख्या में उपस्थिति देकर जोरदार प्रक्रिया जाहिर कर संकेत दे दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वे किसी के बहकावे में नहीं आकर भाजपा को ही समर्थन देंगे। राजे ने करीबन 35 मिनट के अपने सारगर्भित संबोधन में खुलकर चर्चा कर प्रदेश जिले और खासकर सुमेरपुर विधानसभा एरिए में करवाए विकास कार्यों का उल्लेख कर सभा में अपना समा बांध दिया। राजे ने यहां शिक्षा क्रांति रंगमंच प्रांगण से ही अनेक निर्माण कार्यों, सड़क निर्माण और विधायक कोष से उपलब्ध तख्तगढ़ कस्बे के लिए इस एम्बुलेंस का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर प्रहार कर कहा कि जो कार्य भाजपा शासन ने पिछले 4.5 साल में विकास कार्य प्रदेश में करवाए वो कांग्रेस क्यों नहीं करवा पाई, और राजे ने कांग्रेस नेताओं के भामाशाह कार्ड को तोड़ने वाले बयान को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी कि इस तरह भामाशाह कार्ड एक परिवार को टूटने से बचाता है। इसका सभा के बीच मनोहर लाल नामक व्यक्ति को मंच पर बुलवाकर उदाहरण दिलवाया कि उसके मासूम बच्चे के इलाज के लिए सरकारी सहायता मिली। राजे ने सुमेरपुर विधायक और उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ को अपने पास बुलवाकर एरिए में शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पानी से लेकर गाँवों में करवाए बड़े विकास कार्यों की सूची लेकर कहा कि उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि इतना छोटा विधायक कैसे बड़े बड़े कार्य सफलतापूर्वक करवा रहा है। उन्होंने राठौर के प्रयासों के बाद जवाई पुनर्भरण योजना को लेकर बड़ी घोषणा कर कहा कि राज्य सरकार ने साबरमती बेसिन से उसका सरप्लस पानी लाने और जवाई में ले जाने के लिए 6000 करोड़ की राशि स्वीकृत की है, जो प्रथम चरण और दूसरे चरण में 3-3 हजार करोड़ से व्यय होगी। इसके लिए अगले 10 दिनों में संबंधित विभाग अपनी डीपी सरकार को पेश करेगा। राज्य ने कहा कि जवाई बांध में अतिरिक्त मात्रा में पानी आने पर किसानों के साथ साथ पेयजल की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी, जिसका लाभ वर्तमान में 31,000 हेक्टर कमांड की जगह 38,000 हो जाएगा। मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को लेकर प्रदेश में जल्द ही 3 सदस्य दल का भी गठन किया जा रहा है, जो इसमें लिप्त अपराधियों को भी दंड दिलवाने में सहायक होगा। राजे ने कहा कि विकास कार्य करवाने के लिए इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। सुमेरपुर एरिया में शुरू करवाए मेडिकल कॉलेज को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार ने मात्र 4.5 साल में प्रदेश में 7 मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं, जबकि कांग्रेस ने 50 वर्ष में मात्र 7 खुलवाए थे। राजे ने कहा कि भाजपा ने विकास के रिकॉर्ड कार्य करवाए हैं और जिनका कांग्रेस के पास कोई जवाब भी नहीं है। वसुंधरा राजे के सुमेरपुर आगमन पर उनका दोपहर 1:30 बजे हेलीकॉप्टर तख्तगढ़ बाई के पास अस्थायी हेलीपैड पर लैंड हुआ, जहां उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, डीआईजी एसपी पाली, कलेक्टर और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं सहित अनेक जन ने स्वागत किया, जबकि मंच पर उन्हें नगर पालिका अध्यक्ष जोराराम कुमावत ने चुनरी ओढ़ाई तो प्रधान राजेंद्र सिंह ने शौर्य की प्रतीक तलवार भेंट की। वहीं जन प्रतिनिधियों ने 101 किलो की माला से स्वागत करने पर राजे अभिभूत हुई। मंच पर भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारी अविनाश राय खन्ना, प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी, पूर्व अध्यक्ष अशोक परनामी, केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी, खादी उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष जसवंत विश्नोई, राज्यसभा सदस्य रामनारायण पंचारिया, पूर्व मंत्री राजेंद्र गहलोत का भी स्वागत किया गया। मंच पर पाली प्रधान, पाली डेयरी अध्यक्ष, भाजपा पाली जिला अध्यक्ष सहित अनेक लोग मौजूद थे। इस दौरान सुमेरपुर विधायक मदन राठौड़ ने मदन सिंह राठौड़ कहकर जनता से मुखातिब हो कहने लगी कि इतना छोटा विधायक होकर इतने बड़े काम अपने एरिया में करवा लिए, जो स्वयं उनके लिए आश्चर्य होता है। मुख्यमंत्री राजे यूं तो करीबन 3 महीने पूर्व यहां मुख्यमंत्री जन संवाद कार्यक्रम में भाग लेने आई थी, लेकिन तब सीमित मात्रा में नागरिक राजमाता विजयराजे सिंधिया टाउन हॉल में पहुंचे थे। गुरुवार को कहा शिक्षा क्रांति रंगमंच प्रांगण में आयोजित आम सभा में करीबन 25,000 कुर्सियां लगवाई गई थी, जबकि दोपहर होते होते हजारों की संख्या पार हो जाने पर पंडाल छोटा पड़ने पर पंडाल के पास स्थान पर अतिरिक्त कुर्सियां लगवाई गईं।
राजे अपना संबोधन समाप्त करने के बाद मंच से नीचे उतरकर गैलरी में जाकर महिलाओं और कार्यकर्ताओं से मिली, सेल्फी खिंचवाई और मौके पर कुछ एक के ज्ञापन भी लिए। वहीं पाली डेयरी की ओर से केरल आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए जिले भर की डेयरी से एकत्रित 1,00,000 रुपए का चेक देने पर राजे ने मंच से डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह का आभार जताया। सभा में मौजूद खास महिलाओं और युवा कार्यकर्ताओं ने उनके अनेक बार भाजपा जिंदाबाद, वंदे मातरम आदि नारे लगाने पर वसुंधरा राजे सभी आत्यमिक अंदाज में मुस्कुराते हुए मिली। सुमेरपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।